करके एयरपोर्ट पर जैसे उतरेंगे विदेश से गिरफ्तार हो जाएंगे, ऐसी खबरें चल रही है। तो कर ले गिरफ्तार, कौन रोका है उनको? हजारों हजार लाखों लाखों लोग ना गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है बीजेपी वाले में। अरे लाखों लोग देने के लिए तैयार है बीजेपी वाले में, दम है, देश नहीं बिकने दूंगा, बेच दिए सारा अपने संपत्ति देश की, 15 लाख रुपए लाऊंगा मैं, आप सबों के खाते में जाएंगे, नहीं आए अब धर्म और मंदिर के नाम पे तो वो वोट उनको मिलेगा नहीं, अच्छे दिन दिखा नहीं सकते हैं लोगों को क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने ठग चुका है। बोले थे 15 लाख आएगा, हर साल आपको 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 2 लाख का मशरूम चाहिए ना, अरे पूछ लो ना, क्यों हमें बर्दाश्त नहीं होगा, अरे कितनी झूठ कितना फरेब, 3 किलो राशन की लाइनों में खड़ा कर देना, क्या ये देश का विकास है? अंबार लगा हुआ है परिवारवाद का, खाली एक के पास परिवार नहीं है, अरे एक के पास परिवार नहीं है, बाकी तो सबके पास वाद ही वाद है। रंगा बिल्ला जो देश को चलाने वाले लोग हैं कुछ, वो ये मत समझें कि उनका ये जो सामंतवादी सोच है ना वो जनता पे हावी होगा। हम ईडी सीबीआई इनकम टैक्स वाले से नहीं डरते, उनका हमारे घर में रोज आना जाना है, जाके पूछिए झुग्गी झोपड़ियों में, स्लम एरियाज में जाके पूछिए कि लालू जी क्या है, लालू जी कोई व्यक्ति नहीं है, लालू जी विचारधारा है। राजद का 27वां स्थापना दिवस है और राजद कार्यालय में इस वक्त मौजूद हैं, राजद की प्रवक्ता हैं, देखिए पूरे हरे रंग में रंग आ गई है, बीजेपी वाला तो बोलता है कि हरा रंग उन लोगों का है, आप क्या मान लिया? देखिए हरा रंग जो है वो खुशहाली का है, हरा रंग जो है वो किसानों के खेतों का है, हरा रंग हमारे तिरंगे का है और हरा रंग जो है हमारे राष्ट्रीय जनता दल के झंडे का भी है और हरा सावन का भी रंग है। और आज सावन भी है, आपको पता है कि सावन का महीना भी शुरू हो गया है और इस सावन के महीने में हमारे राष्ट्रीय जनता दल जो है वो 27 साल का हो गया। तो 27वां जन्मदिन मना रही है पार्टी का, उधर तैयारी है तेजस्वी को जेल में डालने की। देखिए रंगा बिल्ला जो देश को चलाने वाले लोग हैं कुछ, वो ये मत समझें कि उनका ये जो सामंतवादी सोच है ना वो जनता पे हावी होगा, या वो क्रांतिकारी लोग जो हक और हुकूक की लड़ाई लड़ते आए हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी तो 27 सालों से लगभग जब से ये पार्टी का निर्माण हुआ है वो इन निरंकारियों से लड़ रहे हैं। आप सबको पता है कि किस तरीके से राजनीतिक साजिश के तहत उनको जेल में भी जाना पड़ा और आज तक वो निरंतर हमारी लड़ाई जारी। तो हम ईडी सीबीआई इनकम टैक्स वाले से नहीं डरते, उनका हमारे घर में रोज आना जाना है। लालू जी बोले कि अब हिला उखाड़ के फेंक देंगे, लालू जी ने पहले भी बोला है कि मैं फिट हो गया हूँ, मैं सबको फिट कर दूंगा और आज भी उन्होंने कहा है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी विदेश भ्रमण के बाद खुले मंच से उन्होंने अपने विपक्षियों को डराया, धमकाया, थ्रेटन किया, आज उनको जवाब था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि सबके ठीक कर दें हम। तो वो समझ जाए, जो लोग लोकतंत्र के हत्यारे हैं, जो लोग संविधान के हत्यारे हैं, जो देश की धर्म निरपेक्षता के लिए खतरे हैं, उनके लिए 2024 में सत्ता पे जाना नामुमकिन है। और इसके लिए तमाम विपक्षी दलें जो हैं वो एकजुट हो गई हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले के पास कोई एजेंडा बचा नहीं, अब धर्म और मंदिर के नाम पे तो वो वोट उनको मिलेगा नहीं, अच्छे दिन दिखा नहीं सकते हैं लोगों को क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने ठग चुका है। बोले थे 15 लाख आएगा, हर साल आपको 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 9 सालों से जो लोग सत्ता में काबिज हैं तो नियमतः तो अभी तक 18 करोड़ नौकरियां मिल जानी चाहिए थी। 9 साल में मोदी का डंका बज रहा है 20 मिनट। भाई आप अपनी डंका खुद बजाइए, कहते हैं ना अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, तो वो मिट्ठू का अब नहीं चलने वाला है। गरीबों को घर दे दिए, शौचालय दे दिए, आप लोग को पच नहीं। 80 करोड़ जनता को 3 किलो राशन की लाइनों में खड़ा कर देना, क्या ये देश का विकास है? जो हमारे बेरोजगार जो तादाद में है क्या वो देश का विकास है? देश की संपत्ति बेच देना क्या वो देश का विकास है? अरे खुद आप चंद टट्टुओं को रख करके मतलब जमीन नहीं है विकास है, किसने कहा? अरे हम तो मूर्खों से पूछना चाहते, क्या कोई रेल मिनिस्टर इम्पावर्ड होता है किसी को नौकरी देने के लिए? और आप इतने सालों से आप जाँच कर रहे हैं, क्या निकाला आपने निष्कर्ष? ये सब अपने विपक्षियों को डराने के लिए मशीनरी का सिस्टम का इस्तेमाल करके एयरपोर्ट पर जैसे उतरेंगे विदेश से गिरफ्तार हो जाएंगे, ऐसी खबरें चल रही। तो कर ले गिरफ्तार, कौन रोका है उनको? कर ले गिरफ्तार, इसके पहले देश में गिरफ्तारी नहीं हुई है, अंग्रेजों ने भी कितने हमारे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया था। तो ये क्रांति है देश में, जो क्रांति आने वाली है 2024 में, लोकतंत्र बचाने की क्रांति, संविधान बचाने की क्रांति, कर ले गिरफ्तार। हजारों हजार लाखों लाखों लोग ना गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है बीजेपी वाले में, अरे लाखों लोग देने के लिए तैयार है बीजेपी वाले में, दम है। तो 14 मई के देश को आजाद करा दी, 14 के बाद आजाद। अरे भाई तो अब ऐसे मूर्ख लोग जो कहते हैं कि 14 में देश आजाद हुआ, तो भाई उनकी हिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री सभी बेकार है उनका।
देखिए जो लोग इंटायर पॉलिटिकल साइंस में जिन्होंने पढ़ाई पढ़ी है, जिसका कि मुझे नहीं लगता कि किसी के सिलेबस में भी होगा, वो एक इकलौता विषय था, वो एक इकलौता साल था, वो एक इकलौती डिग्री थी जो हमारे देश के यशस्वी कहे जाने वाले झूठे प्रधानमंत्री जी के पास है। अन्यथा वैसी डिग्री किसी दूसरे और आम इंसान को नहीं मिली है। आप पढ़े थे, आपकी यूनिवर्सिटी स्कूल में आपके दोस्त यार सखी संगति होंगी, हमारे साथ भी थे, लेकिन थोड़ा मैडम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, तो भाई बोलो ना, सच बोलने की हिम्मत रखो ना, तो पत्र क्यों दिखा रहे हो, पीसी करके सर्टिफिकेट क्यों दिखा रहे हो, जनता को मूर्ख क्यों बना रहे हो, जैसे कह रहे थे देश नहीं बिकने दूंगा, बेच दिए सारा अपने संपत्ति देश की, 15 लाख रुपए लाऊंगा मैं, आप सबों के खाते में जाएंगे, नहीं आए, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, नहीं मिली, और विदेशों से काले धन लेके आएंगे, नहीं, फकीर आदमी है उन पर आप लोग इतना बोलते रहते हैं, फकीर आदमी है इसलिए 10 लाख का सूट, 15 लाख का पेन और 2 लाख रुपए की मशरूम खाते हैं। ऐसी फकीरियत मुझे लगता है देश के हर एक आम आवाम को चाहिए। चाहिए जी 2 लाख का मशरूम चाहिए ना, पूछ लो ना, क्यों हमें बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन झूठ की एक सीमा होती है कि मैं स्टेशन पे चाय बेचता था, मैं मेरी माँ घर में बर्तन धोती थी, फिर भी मैं सलमान या मुर्शीद के लिए मेरे घर में पकवान बने, अरे कितनी झूठ, कितना फरेब, आप किस झूठ और फरेब से हमारे देश में जो स्थिति आ गई है, इसीलिए आज जनता जो है बदलाव चाहती है, 2024 भाजपा मुक्त भारत। वैकेंसी नहीं है कोई, कहाँ जाएगी, अरे उनका नहीं वैकेंसी है, वो उनके पास अब नौकरी नहीं बचेगी, झूठ की खेती अब बीजेपी नहीं कर पाएगी। आप लोग तुष्टीकरण करते हैं, जाति के नाम पर वोट लेते हैं, तुष्टीकरण वो कर रहे हैं, तुष्टीकरण और दुष्टीकरण तो करने का उनका है, भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा उनके यहाँ, हम तो गरीब, राष्ट्रीय जनता दल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने न्याय की लड़ाई लड़ी थी सब, अच्छा तो कौन बिगड़े बोल रहा है, अगर इन्होंने भ्रष्टाचार के लिए लड़ाई लड़ा तो सारे भ्रष्टाचारी आज उनके पार्टी में क्यों है, उनके पास वॉशिंग मशीन है क्या, भ्रष्टाचारियों के लिए क्लीन करके निकाल देते हैं, और हमारे साथ जो रहते हैं, जो समाजवाद की लड़ाई लड़ेगा, जो आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़ेगा, वो उनके नजर में भ्रष्टाचार, जो चोरी करेगा, डकैती करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, वो उनके नजर में, आप लोग परिवारवाद करते हैं, राष्ट्रवाद होता है, उनके यहाँ परिवार कौन है, अमित शाह का बेटा कौनची है, पीयूष गोयल कौन है, अरे ऊपर से लेकर नीचे तक देखिए ना, अंबार लगा हुआ है परिवारवाद का, खाली एक के पास परिवार नहीं है, अरे एक के पास परिवार नहीं है, बाकी तो सबके पास वाद ही वाद है, नहीं, योगी जी के पास परिवार नहीं है, मोदी जी के पास, हाँ तो गिनाई है, देश के लिए त्याग नहीं दिया है उन्होंने, देश को बर्बाद किया है उन्होंने, देश के लिए परिवार, देश के लोगों को सड़कों पे ला दिया है, चाहे वो नोटबंदी का परिवार के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिए है, लालू जी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले, गरीबों के पुरोधा माने जाने वाले, गरीबों के मसीहा माने जाने वाले, जाके पूछिए झुग्गी झोपड़ियों में, स्लम एरियाज में जाके पूछिए कि लालू जी क्या है, लालू जी कोई व्यक्ति नहीं है, लालू जी विचारधारा है, और वो विचारधारा जो होती है ना, कभी भ्रष्टाचार नहीं होती, लेकिन अरे कर दीजिए, वो डरेंगे तो करेंगे, भगत सिंह से भी डर गए थे अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया, जी ने वचन दिया है कि सब कुछ डालेंगे, अंग्रेजों से पूछो ना भगत सिंह को क्यों चढ़ाया था सीली पे, क्योंकि डर था उन्हें कि वो देश के लिए लड़ रहा था, भगत सिंह की राजनीति करती कहां है, अरे भगत सिंह की नहीं करते हम, तो देश की आवाम की जनता की करते हैं, एक एक गरीबों की करते हैं, एक एक महिलाओं की करते हैं, हम झूठ बोलने वाले नहीं है। प्रवेश शुक्ला है आदिवासी के शरीर पर पेशाब कर दे, उसमें क्या करने वाला, वो करने वाला कौन था, बीजेपी से ही उसकी तार जुड़े हुए हैं, तो बीजेपी की ये सोच है दलित विरोधी, महिला विरोधी, आपने देखा किस तरीके से महिला खिलाड़ी जो है सड़क पे प्रदर्शन कर रही थी, आपने देखा हाथरस का कांड भी आपने देखा, तो भारतीय जनता पार्टी का तो ये असल चेहरा, और आज देश की जनता भी जान रही है कोई उनके साथ नहीं खड़ा है, भारत 2024 में भाजपा मुक्त होने वाला है, और ये जनता की पुकार है। चलिए तो आरजेडी की प्रवक्ता है सारिका पासवान, क्या कुछ होगा 14 में और आज क्या कुछ था, तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई है, लंबी चर्चा हुई, बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब किया, बहुत बहुत धन्यवाद।